हेलो गाइस एंड वेलकम टू एडवार मोटर राइड। तो आज के वीडियो में मैं टेस्ट राइड रिव्यू करने वाला हूँ हीरो एक्सट्रीम 125R का, जो कि 125 सीसी कैटेगरी की वन ऑफ द बेस्ट बाइक है। तो गाइस ये बाइक चलने में कैसी है, हैंडलिंग कैसी है, माइलेज कैसा है और पिकअप कैसा है आज के वीडियो में आपको पता चल जाएगा। कम्फर्ट भी कैसा है वो भी आपको आज के वीडियो में मैं बता दूंगा। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सबसे पहले मैं आपको बैठ के दिखाता हूं इस बाइक के ऊपर। गाइस मेरी हाइट है 5'9" और इस बाइक की सीट हाइट है 794mm की। मेरे दोनों पैर आराम से पहुंच रहे हैं, पूरे के पूरे 100% पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपकी हाइट 5'4" है या फिर 5'5" है या उससे कम है तब भी आप आराम से इस बाइक को राइड कर सकते हैं, लेकिन 5'2" वाले बंदों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बाकी सीट हाइट अच्छी है और राइडिंग पोजीशन भी थोड़ी अपराइट है, थोड़ी लीन है, मतलब मीडियम साइड कहूँगा मैं। और रियर व्यू मिरर अच्छे लग रहे हैं, स्टाइलिश भी हैं और प्रैक्टिकल भी देखने को मिलते हैं एट द सेम टाइम। बाकी आपको यहाँ पर फुल डिजिटल मीटर मिलेगा, इसके अंदर आपको अच्छे खासी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जैसे कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर, टैकोमीटर मिलता है, साइड स्टैंड इंडिकेटर है, एबीएस वार्निंग लाइट देखने को मिल जाती है आपको, ओडोमीटर है और सिलेक्ट और मेन्यू बटन है। यहाँ पर क्लिक करने पर ट्रिप ए, ट्रिप बी और एवरेज बताता है। बाकी मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी आता है इसके अंदर, मोबाइल चार्ज करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है। बाकी बटन्स की क्वालिटी प्रीमियम है। इधर आपको हैजर्ड लाइट स्विच मिलता है जो कि 125 सीसी कैटेगरी में किसी और बाइक में नहीं आता। बाकी आज अपन पिलन के साथ राइड करने वाले हैं इस बाइक को। तो ऐसा कुछ सेल्फ स्टार्ट वर्क करता है इस बाइक का, साउंड तो बहुत बढ़िया कर रही है ये बाइक। इनिशियल पिकअप यार फॉल्स न्यूट्रल हो गया था। एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा इस बाइक के बारे में, ये बाइक 125 सीसी के इंजन के साथ आती है लेकिन इसकी परफॉर्मेंस 125 सीसी नहीं लग रही इनिशियल में, क्योंकि 160R आपको याद होगी एक्सट्रीम में 160R आती है 12 इंजन वाली, जो कि पुराना मॉडल था उसके अंदर ऐसा ही पिकअप आता था और इसके अंदर भी पिकअप सेम लग रहा है यार। सस्पेंशन सेटअप भी बहुत अच्छे से ट्यून है क्योंकि अपन ख़राब रास्तों पर चला रहे हैं और यहाँ पर राइड कंफर्ट अच्छा लग रहा है मेरे को, क्योंकि यहीं अपन दूसरे बाइक चलाते हैं 125 सीसी के तो इतना अच्छा राइड कंफर्ट नहीं मिल पाता और इसके अंदर मोनोशॉक आता है, इसकी वजह से भी राइड कंफर्ट बढ़िया है। एज यू कैन सी गाइस देखें पांचवे गियर में कितना क्रूज कर पाएगी ये, मतलब पांचवे गियर में ये बाइक कैसे चलती है वो भी देखेंगे अपन। 50-60 मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये बाइक मैं पीलियन के साथ राइड कर रहा हूँ उसके बावजूद मेरे को इसकी परफॉर्मेंस पसंद आ रही है, क्योंकि पीलियन के साथ इस बाइक का वेट, मतलब वेट तो बढ़ ही जाता है, इंजन पर लोड भी बढ़ जाता है, लेकिन अगर आप सिंगल चलाते हैं, सोलो चलाते हैं तब तो आपको और ज़्यादा पिकअप महसूस होने वाला है इसके अंदर। बाकी 125 सीसी कैटेगरी में इससे ज़्यादा पिकअप मेरे को किसी और बाइक से देखने को नहीं मिला, मैंने सभी का टेस्ट राइड रिव्यू किया है उसके बावजूद मेरे को इस बाइक का पिकअप सबसे ज़्यादा लग रहा है और पीलियन के साथ राइड कर रहा हूँ इसलिए मैं ज़्यादा सरप्राइज हूँ, वरना मैं आपको बोलता भी नहीं कि इसका पिकअप उतना ज़्यादा है। पीलियन के साथ इसका पिकअप इतना बढ़िया है, देख सकते हैं आप। गाड़ी के अंदर गियर थोड़े कड़क मिलते हैं, थोड़े हार्ड शिफ्टिंग है, अभी न्यू बाइक है इस वजह से भी बाइक के अंदर गियर शिफ्ट जो है ज़्यादा यूज़ नहीं हुए हैं। पिकअप आप ही देख सकते हैं इसका कितना बढ़िया है। बाकी इस बाइक की हैंडलिंग भी बढ़िया देखने को मिलती है आपको। बाइक के अंदर थोड़े बहुत वाइब्रेशंस हैं जो कि टैंक से महसूस होते हैं और सीट पर भी आते हैं। बाकी बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। और यहाँ अपन बात करें हैंडलिंग की तो भाई ट्रैफिक में तो बहुत ही आराम से चला रहा हूँ मैं बाइक को, तब भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। हालांकि इसका वेट है 136 kg का, इतना वेट रहने के बावजूद यहाँ पर हेवी वेट महसूस नहीं हो रही बाइक, क्योंकि मैं डेली ड्राइवर यूनिकॉर्न यूज़ करता हूँ जो कि 146 kg की है। और यह बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस टेस्ट भी हो गया, 180mm का ग्राउंड क्लियरेंस है तो बड़े बड़े गड्ढों में जाने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि नीचे मार नहीं लगेगा 180mm के ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से। यार ऐसे ट्रैफिक में चलाने को मज़ा नहीं आता यार, रोड गाड़ियों के लिए होता है ये, इंसान जानवरों के लिए यूज़ कर रहा है। पिकअप आप देख ही सकते हैं इस बाइक का, ट्रैफिक बहुत है उसके बावजूद बाइक के अंदर पिकअप अच्छा खासा महसूस होता है।
इस बाइक के अंदर आपको इंजन मिलता है 125 सीसी का, एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक टू वेल्व BS6 फेस टू कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो कि मैक्स पावर निकालता है 11.55 PS की और मैक्स टॉर्क निकालता है 10.5 न्यूटन मीटर का विथ 5 स्पीड गियरबॉक्स। और यहाँ पर आपको E20 पेट्रोल का सपोर्ट मिल जाता है। और यहाँ ग्राउंड क्लियरेंस टेस्ट और एक बार हो रहा है क्योंकि ख़राब रोड पे हैं अपन। बाइक बहुत ही अच्छे से हैंडल करती है यार, मतलब झटका आप तक उतना ज़्यादा महसूस नहीं हो पाता जितना दूसरे 125 सीसी बाइक्स में होता है। बाकी यहाँ पर माइलेज की बात करें तो आपको माइलेज देखने मिलता है 66 KMPL का, जो कि हीरो का कहना है 66 का माइलेज ये देगी बाइक। कम से कम 60 का तो माइलेज आपको मिल जाएगा। हीरो की बाइक्स माइलेज के लिए ज़्यादातर फेमस है इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर। और कॉर्नर भी कर रही है बाइक क्योंकि 125 सीसी के सबसे ज़्यादा मोटे टायर इस बाइक के अंदर आते हैं। सामने मिलता है आपको 90x90 का टायर 17 इंच अलॉय व्हील और पीछे मिलता है 120x80 टायर 17 इंच अलॉय व्हील। तो यहाँ पर आपको टायर बहुत ही मस्त मिलते हैं, अच्छे मोटे मिलते हैं। 125 सीसी कैटेगरी में 120 सेक्शन टायर सिर्फ ये बाइक में आता है और दूसरा अपनी बजाज की CNG बाइक में आता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोटे टायर इस बाइक के अंदर आते हैं 125 सीसी के। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फीचर मिलता है जो कि 125 सीसी कैटेगरी की किसी बाइक में नहीं आता, वो है इसका सिंगल चैनल ABS, जो कि आपके टायर मतलब आपके बाइक के फ्रंट टायर को स्लिप होने नहीं देता। कितना भी आप पैनिक ब्रेकिंग करो, यहाँ पर ABS रहने की वजह से सेफ्टी फीचर और सेफ्टी बढ़ जाती है इस बाइक की। और यहाँ थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग भी करना पड़ रहा है क्योंकि रोड अच्छे नहीं है और बारिश का मौसम चल रहा है। तो यहाँ पर ख़राब रोड में भी ये बाइक बहुत ही आराम से चलती है। हैंडलिंग पसंद है यार मेरे को इस बाइक की। इस बाइक का पिकअप बहुत ज़्यादा पसंद है, जो कि इनिशियल में अच्छा है। मिड रेंज भी इस बाइक का अच्छा खासा तगड़ा आता है। और यहाँ पर हीरो क्लेम करता है 5.9 सेकंड 0 to 60 के, मतलब ये 0 to 60 की स्पीड 5.9 सेकंड में कवर कर लेती है, जो कि 125 सीसी कैटेगरी के लिए बहुत बढ़िया है। बाकी मैंने SP125 का भी 0 to 60 0 to 100 टेस्ट किया है, वो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। और अपने सभी बाइक की रिव्यू अपने चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, देख सकते हैं आप। इतने ख़राब रास्तों पर भी बाइक अच्छे से हैंडल होती है, मतलब हैंडलिंग अच्छी दी है हीरो ने। यहाँ पर लुक भी बढ़िया किया है हीरो ने, हैंडलिंग भी बढ़िया दी है और साथ ही साथ माइलेज भी अच्छा रखा है और पिकअप में भी कोई कमी नहीं रखी हीरो ने। मेरे को इसको चलाते ही सबसे पहले याद है हीरो की एक्सट्रीम 160R 2V 2-valve इंजन वाली, उसका पिकअप और इसका पिकअप बहुत ही करीब है। अगर अपन बात करें 4-valve इंजन की तो 4-valve वाले इंजन में बहुत ज़्यादा पिकअप है यार, वो 17 PS की पावर की आती है और 2-valve वाली 15 PS की, लेकिन ये 11.5 PS में भी इतनी अच्छी पावर निकाल के देती है। और पावर डिलीवरी के साथ साथ इसका जो साउंड है वो भी बहुत ज़्यादा स्पोर्टी लगता है, मतलब 125 सीसी कैटेगरी में बेस्ट भी कह सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को स्पोर्टी साउंड पसंद है। रेडर का भी साउंड अच्छा आता है लेकिन थोड़ा मेरे को कैसा लगता है वो फट रही है आवाज़, लेकिन इसके अंदर फटती नहीं है आवाज़, बहुत ही बढ़िया और स्मूथ साउंड आता है, स्पोर्टी लगता है, जो कि एक्सट्रीम 160R में आता था। बाकी यहाँ पर पांचवे गियर में भी ये बाइक कम स्पीड में देखेंगे अपन ट्रैक्टेबिलिटी कैसी है इस बाइक की। कम स्पीड में उठा रहा हूँ मैं। देखो चौथे गियर में तो ये 20 की स्पीड से आराम से उड़ गई, मतलब चौथे गियर में अच्छे से निकल रही है ये बाइक। पाँचवें गियर में देखेंगे 30 की स्पीड से उठती है क्या, 25 की स्पीड से भी उठ रही है पांचवे गियर में। तो यहाँ पर आपको ट्रैक्टेबिलिटी भी अच्छी मिल जाती है और ये बाइक लगभग 110 की स्पीड तक चली जाती है। तो यहाँ पर टॉप स्पीड को भी लेकर चिंता मत करो, यहाँ पर आपको टॉप स्पीड भी अच्छी मिलती है हीरो एक्सट्रीम 125R से। इंजन कट ऑफ सेंसर कैसे काम करता है देखो, गियर में है बाइक, इंजन कट ऑफ सेंसर ऐसे काम करता है। बाकी साउंड सुनने के आपको साउंड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। इसका आइडलिंग साउंड है ये, तो गाइस यहाँ पर आपको साउंड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। हीरो एक्सट्रीम 125R के अंदर आपको स्पेशल चीज़ें क्या मिलती है वो भी बता दूंगा। यहाँ पर आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाते हैं, जो कि 125 सीसी कैटेगरी में किसी और बाइक में नहीं आते। बाकी LED इंडिकेटर मिलते हैं आपको, जो कि किसी और 125 सीसी बाइक्स में नहीं मिलते, ऑल LED सेटअप है। साथ ही साथ यहाँ पर स्पोर्टी लुक्स मिलते हैं आपको, उसके बावजूद यहाँ पर आपको किक मिलता है। बहुत सारे 125 सीसी बाइक से किक भी हट रहा है, जैसे कि TVS Raider 125, तो यहाँ पर हीरो ने किक दिया है। कभी बैटरी वगैरह कुछ
ख़राब हो गया तो इससे स्टार्ट कर सकते हैं आप, तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन अच्छा है। बाकी यहाँ पर आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, मेन स्टैंड, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर सब कुछ मिलेगा, और टैंक कैपेसिटी 10 लीटर की मिलती है जो कि माइलेज की सबसे अच्छी है। और यहाँ पर स्प्लिट सीट सेटअप मिलता है, कम्फर्ट बढ़िया है इस बाइक का, लेकिन पिलियन कम्फर्ट थोड़ा कम रहता है क्योंकि स्प्लिट सीट सेटअप की वजह से सीट थोड़ी ऊपर हो जाती है पीछे वाली, और पीछे वाला उतना ज़्यादा कम्फर्टेबल नहीं रहता जितना अपनी ग्लैमर पे या फिर दूसरी बाइक आती है सुपर स्प्लेंडर, उसके ऊपर कंफर्टेबल रहता है। तो यहाँ पर क्या है, पीलियन के लिए उतना ज़्यादा कंफर्ट नहीं मिलता, लेकिन ये बाइक स्पोर्ट्स के हिसाब से बनाई है, मतलब स्पोर्ट्स कैटेगरी की बाइक है, नेकेड स्पोर्ट बाइक है। बाकी बात कर लेते हैं इस बाइक की प्राइसिंग की, अगर आपको हीरो ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप शांत मनी साई हीरो उदगीर शोरूम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर और मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, और वहाँ पर इसका ऑनर प्राइस है 1,28,400 रुपये। तो गाइस आज के वीडियो में मैंने आपको हीरो एक्सट्रीम 125R 2024 मॉडल ABS वेरियंट का टेस्ट राइड रिव्यू दिया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों से शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूं, गुड बाय गाइस।